इंदौरा जी, हमारे विधायक कोठवाल जी, मैं आपके बीच में जब महंगाई राहत कैंप थे और हाथ से हाथ जोड़ो तो तब पीलीभंगा के मैंने खूब दौरे किए थे। मैंने एक निवेदन किया था आप लोगों से तब। उस वक्त इंदौरा जी टिकट मांगने वाले पीलीभंगा में सबसे ज्यादा संख्या थी। मैंने तब एक निवेदन किया था कि जी टिकट A to Z किसी को भी मिले, हमारे लिए प्रत्याशी हमारा हाथ का निशान है। और आपने उस बात पे फूल चढ़ाए। मैं पूरी पीलीभंगा विधानसभा को धन्यवाद देता हूँ। राजस्थान की सबसे बड़ी जीत, राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में हमारे कोठवाल जी को आपने उस हाथ के निशान के ऊपर भेजा, क्योंकि आपने 10 साल का वनवास तोड़ा था और इतनी अच्छी तीज से तोड़ा था। अब मैं आपके सामने अपनी झोली फैलाकर हाथ जोड़ के दोबारा आया हूं कि देश की सबसे बड़ी पंचायत को लोकतंत्र बचाने के लिए आज पीलीभंगा वालों की, क्योंकि पीलीभंगा वाले जब किसी का झाड़ चढ़ाते हैं ना तो एक तरफा चढ़ा देते हैं, जैसे कोठवाल जी का चढ़ाया था। अब वक्त है 10 साल से हमारा जो वनवास है यहाँ की लोकसभा में, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपनी झोली फैलाकर वोट मांग रहा हूं कुलदीप इंदौरा जी के लिए। मैं इसलिए नहीं, आज बात चुनाव बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव नहीं है, सच में आज हमें बाबा साहब अंबेडकर, भीम साहब अंबेडकर का संविधान बचाने की आवश्यकता है, हमारी इस किसानी पगड़ी को बचाने की आवश्यकता है जिसको लोग खालिस्तानी नजर से देखने लग रही है ये भाजपा, आज हमारी नस्ल बचाने की आवश्यकता है। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है, खुद का वोट ही नहीं, अपने आसपास जितने भी लोगों को आप मिल सकते हैं उनसे वोट दिलवा सकते हैं, इंडिया गठबंधन के पंजे के निशान के ऊपर वोट दिलवाएं। क्योंकि यदि अब हम यदि मौके से चूके तो 5 साल बाद या कभी दोबारा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग अभी पिछले दिनों एक भाजपा के प्रत्याशी है जो लोकसभा के अंदर गए थे, जाना चाहते हैं, वो कह रहे थे हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हमें संविधान में परिवर्तन करना है। संविधान परिवर्तन का मतलब समझ रहे हो? संविधान में क्या है? संविधान में हमें बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण है। संविधान में क्या है? बोलने की आजादी है, हमारे मूल अधिकार है। मतलब वो क्या बदलना चाहते हैं? तो सोचिए, देश को बचाने का, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, तो हमें एकजुट होकर सिर्फ अपना वोट ही नहीं, लोगों के वोट भी कुलदीप इंदौरा जी को दिलाने हैं। आज मेरे से आप सब वादा करो कि आप उसी तरह से जिस प्रकार कोठवाल जी को वोट दिलाए थे, कुलदीप इंदौरा जी को वोट दिलाओगे। और लास्ट में एक और बात कहता हूं कि मैं परसों कुलदीप इंदौरा जी के साथ था। आपको इनसे पहले कई लोगों ने उनका परिचय दिया है, ये मंत्री जी के बेटे हैं, जिला प्रमुख नहीं। मैं एक और बात बताता हूं, मैं नोटिस किया पूरा दिन, इनके पांव जमीन पे हैं और ये जमीन के बेटे हैं, इतने साधारण। क्योंकि मैंने नोटिस किया ये अननोन नंबर जो व्यक्ति उठाता है ना, तो वाकई में वो जनता के लिए काम करता है। और कुलदीप इंदौरा जी अननोन नंबर उठाते हैं, किसी का नंबर सेव हो तो हम फोन उठा लेते हैं, अननोन नंबर उठा के उठा रहे। तो गंगानगर हनुमानगढ़ के लिए हमारे लिए बड़ी बात है कि ऐसा कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़ा हुआ है, आपकी बात और आपके मान सम्मान को कभी दाग नहीं लगने देगा। चाहे आप दिल्ली चले जाओगे तो दिल्ली आपका दूसरा घर होगा। इतना मैं इस आदमी के लिए व्यक्तिगत रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ। और इनको आप इस बार मैं कहता हूँ कि जी पीलीभंगा वालों, मान सम्मान रखो और जिता के भेजो इस बार लोकसभा के लिए, देश के लिए, हमारे गंगानगर के लिए, हमारी किसानी के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए। यही निवेदन करने के लिए आया था। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। धन्यवाद सिद्धू साहब। अब मैं इसी कड़ी में